आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर के रैनवारी इलाके में शबाना तसादुमाराई के दौरान पुलिस ने दो मुकामी मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार के मुताबिक एक महलूक मिलिटेंट के कब्जे से मीडिया का शिनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि हिफाजती अमला को ये इतला मौसूल हुई कि मिलिटेंट पाइन शहर के रैनवारी इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरक तौर पर इस इलाके को मुहासरे में लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। तर्जमान ने बताया कि कुछ अरसे तक जारी रहने वाले इस झड़प में दो मिलिटेंट मारे गए, जिनके कब्जे से असला गोला बारूद और कबल अतराज माऊद बरामद करके जब्त किया गया। पुलिस ने मौलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त रईस भट्ट और हिलाल अहमद साकिन बिजबेहड़ा के तौर की है। बता दें कि रईस अहमद भट्ट ने अगस्त 2021 जबकि उसके साथी हिलाल अहमद ने इसी साल अक्टूबर के महीने में मिलिटेंट तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। जराये ने बताया कि मिलिटेंट तंजीम में शमूलियत इख्तियार करने से कबल रईस अहमद वेली न्यूज सर्विस VNC नामी एक फेसबुक पेज चला रहा था। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर के रैनवारी इलाके में दौरान शब मारे गए दो मिलिटेंटों को शहर में सॉफ्ट टारगेट पर हमला करने का काम सौंपा गया था। इन्होंने कहा कि वादी में मिलिटेंटों की तादाद में लगातार कमी वाकया हो रही है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता शाम सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेज पर पेट्रोल बम दागने वाली खातून की शिनाख्त भी मालूम की गई है। मौसपी इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि रैनवारी श्रीनगर में मारे गए दो मिलिटेंटों कई हलाकतों में मुलवस थे और इन्हें श्रीनगर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करने का काम सौंपा गया था। इनका कहना था कि दोनों मोहलिक मिलिटेंटों का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से था और इनमें से रईस अहमद भट्ट नामी मिलिटेंट साबिक सहाफी था। कुमार ने कहा कि रईस अहमद भट्ट अनंतनाग और बिजबाड़ा इलाके में होने वाले कई हलाकतों में मुलवस था। इन्होंने कहा कि रईस अहमद के खिलाफ दो FIR दर्ज थे और इसके तौहील से एक डिजिटल डिवाइस भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। शुमाली कस्बा सोपोर में गुज़िश्ता शाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर दागे जाने वाले पेट्रोल बम के बारे में IGP ने कहा कि पेट्रोल बम फेंकने वाली इस बरकापोश खातून की शिनाख्त की गई है और इसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और हम लोग और नीचे लाएंगे इसको, और रिक्रूटमेंट के भी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करें। कौमी तहकीकती एजेंसी ने TRF के तीन मिलिटेंटों के खिलाफ 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। NIA के तर्जमान ने मुलजिम की शिनाख्त सजाद गुल उर्फ शेख सजाद साकिन अंसारी लेन HMT कॉलोनी बेमना श्रीनगर, सलीम रहमान उर्फ अबू सैद साकिन सिंध पाकिस्तान, बास्ता मडार वल्द मरहूम अब्दुर्रशीद डार साकिन रेडवनी पाइन जिला कुलगाम और यूसुफुल्ला सजाद साकिन पंजाब पाकिस्तान के तौर पर की है। NIA ने कहा कि चारों का ताल्लुक TRF से है, जो लश्कर तैयबा की एक तंजीम है। इन्होंने कहा कि चारों RC 32/2021 NIA DLI केस में मतलूब है। श्रीनगर में मुकाइम फौज के 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने बुध को वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के छुटबुग इलाके में मकतूल SPO और इनके भाई के घर जाकर सोगवार से ताजियत की। तफसीलात के मुताबिक ये पहली बार है कि फौज के किसी आला अफसर ने मकतूल मुकामी लोगों के घर जाकर ताजियत की। बता दें कि GOC पांडे, जो SSP बडगाम ताहिर सलीम के हमरा थे, आज सुबह बडगाम के छुटबुग गाँव पहुंचे। GOC ने मकतूल भाइयों इशफाक अहमद एक SPO और उमर जान के अहलखाना से मुलाकात की, जो 27 मार्च को मिलिटेंटों के हाथों मारे गए थे। बता दें कि GOC ने लवाकिन से ताजियत की और कहा कि दोनों मकतूल भाई जवान और बहादुर थे। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर तहसील में आज दोपहर एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और एक पुलिस अहलकार समेत दो दीगर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक फौज के एक गाड़ी और टिलर के माबैन टक्कर में तीन अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को निकालकर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इनमें से एक दम तोड़ गया। हुकाम ने मकतूल की शिनाख्त मुश्ताक अहमद गनाई साकिन छुरापट्टन के तौर की है। इन्होंने कहा कि जख्मियों की शिनाख्त यासीन अहमद लोन वल्द गुलाम मोहद्दीन लोन साकिन छुरा और दूसरी की शिनाख्त कांस्टेबल हिलाल अहमद वानी वल्द गुलाम कादिर वानी साकिन ककपुरा पुलवामा के तौर पर की गई है, जो पुलिस चौकी कलारूस कपवाड़ा में तैनात थे। वाकई की तस्दीक करते हुए एक पुलिस अहलकार ने बताया कि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई के लिए IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आगरा जेल में 5 माह से ज्यादा गुजरने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुध को 3 कश्मीरी तालिब इल्मों को जमानत दे दी जिन्होंने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता साल भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद मुबैना तौर पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने और बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 कैदी कश्मीरी तलबाओं को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। तीनों इरशाद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनाई को आगरा पुलिस ने 28 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में बुध को हाफ मैराथन रेस के दौरान 11वीं जमात के एक तालिब इल्म की मौत हो गई है। बता दें कि यूथ सर्विस और सपोर्ट्स के एक एहलकार ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस और सपोर्ट्स की हिदायत पर मुख्तलिफ जोनों में हाफ मैराथन रेस का इनेकाद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बुध के रोज शहीद मरग जोन और जिला के दीगर 4 जोनों में हाफ मैराथन रेस का शेड्यूल था और इसके मुताबिक इलाके के हायर स्कूलों को 5 तलबाएं भेजने की इतला दी गई थी। इन्होंने मजीद कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा ने भी 5 तलबाओं को भेजा है और आज सुबह जब रेस शुरू हुई थी तो लड़का चंद मीटर के फैसले पर ही बेहोश हो गया। इन्होंने बताया कि इन्हें फौरी तौर पर PIC राजपुरा मुंतकिल किया गया जहाँ से इन्हें जिला अस्पताल पुलवामा रेफर किया गया, तहम इसे वहां डॉक्टर ने मुर्दा करार दिया। बता दें कि जांबाहक तालिब इल्म की शिनाख्त शहनाज अहमद मीर वल्द गुलाम अहमद मीर साकिन चांदपुरा राजपुरा के बतौर हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि हायर सेकेंडरी राजपुरा में 11वीं जमात का तालिब इल्म दिल का मरीज था और इसकी पहले ही 3 सर्जरियाँ हो चुकी थी। दौड़ के लिए अपने इंतखाबात के बारे में इन्होंने कहा कि ये वालिदीन का फर्ज है कि इन्हें हाफ मैराथन रेस में शामिल होने की इजाज़त देने से पहले असतिजा को इनके मसले से आगाह कराना था। दर्जनों KPS के कत्ल का एतराफ करने वाला बिटा कराटी के खिलाफ श्रीनगर की अदालत में 31 साल बाद ट्रायल शुरू। तो मैं यही कहूंगा कि फैमिली के लिए एक रे ऑफ होप है और इस रे ऑफ होप में यही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा भारत देश है, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग इस फैमिली को जस्टिस मिले, इनकी हीलिंग हो और इनको क्लोजर मिले। 31 साल बीत गए हैं, फैमिली को ये तक नहीं मालूम कि इस केस में क्या हुआ है। FIR रजिस्टर्ड है बिटा कराटे जी के खिलाफ और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिटा कराटे जी को जब बेल मिलती है तो जज अपने बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन में इसमें कोई इंटरेस्ट। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगेबान।